हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी चैप्टर 2 से, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में जिन भी टॉपिक्स को कवर करना है उनके एक समरी फॉर्म में प्रेजेंट करा है। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे। सेल साइकिल में जितने भी डिविजनल स्टेजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप होगा सेल साइकिल में, इट इज़ इंटरफेज। इंटरफेज भी डिवाइडेड है कुछ स्टेजेस में, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज है इंटरफेज का G1 फेज, S फेज एंड G फेज। इंटरफेज के बाद हम माइटोटिक फेज पढ़ेंगे, जहाँ पे हम माइटोटिक फेज में उसके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम मियोसिस समझेंगे कि मियोसिस क्या है। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। आफ्टर दैट हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है तो उससे किस तरीके से वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, फादर और मदर, उनका जो चाइल्ड होगा वो फुल्ली उनसे डिफरेंट होगा, तो उसमें वो वेरिएशन कैसे आई, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे अंडर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसके बाद हम माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इनको देखेंगे, और एट लास्ट हम क्रोमोसोम के बेसिक स्ट्रक्चर में जो कुछ टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, जीन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर, इन हेडिंग्स को पढ़ेंगे और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में उनको जानेंगे। सो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे लिखा है, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। सेल डिवीजन एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का। हम सेल डिवीजन को फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्यों कह रहे हैं लाइफ की? सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेल डिवीजन क्या है। सो अगर सेल डिवीजन हम इजी लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है सेल का डिवाइड होना। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिंगल सेल है। अब इस सिंगल सेल को अपने नंबर को इंक्रीज करना है। सो टू इंक्रीज इट्स नंबर, ये सेल क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी और दो अपने ही तरीके की सिमिलर सेल्स क्रिएट करेगी। इन दोनों सेल्स को हम टू डॉटर सेल्स कहते हैं। दीज आर टू डॉटर सेल्स। ये है हमारा सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्यों है लाइफ का? सो सेल डिवीजन को हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर सेल डिवीजन नहीं होगा और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एनिमल्स सिंगल सेल भी होते हैं, तो सिंगल सेल एनिमल्स में हमें सेल डिवीजन की तो नीड है नहीं, बट अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का, तो सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता है वो है अमीबा। अमीबा हम जानते हैं ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये एक सिंगल सेल का बना हुआ है तो मतलब इसको सेल डिवीजन की तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बट अमीबा भी सेल डिवीजन करता है। अमीबा सेल डिवीजन क्यों करता है? ताकि वो अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सके। अमीबा सेल डिवीजन करके अपनी जनरेशन इंक्रीज करता है। यहाँ पे
अमीबा ने भी टू टोटल सेल्स प्रोड्यूस करे बाय सेल डिवीजन। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मेथड विच इनेबल्स लाइफ टू परपिटुएट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वली ट्रू इन द केस ऑफ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। सेम चीज़ हमने अमीबा में देखी। अमीबा में क्या हुआ? अमीबा सिंगल सेलो ऑर्गेनिज्म तो है, बट अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसे डिवाइड होना पड़ता है, उसे दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। और वो दोनों डॉटर सेल्स भी कैसी होंगी? ये भी सिंगल सेल की बनी हुई होंगी। और जब ये डॉटर सेल्स मैच्योर होंगी तो ये भी सेम तरीके से सेल डिवीजन करेंगी जैसे कि इनकी पेरेंटल सेल ने करा था। सेम ये भी सेल डिवीजन क्यों करेंगी? टू इंक्रीज देयर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाने के लिए अमीबा क्या करते हैं? सेल डिवीजन करते हैं। उसके बाद एज इज इन द हाईली कॉम्प्लेक्स वंस सच एज आवर सेल्स और द जॉइंट साइज्ड एलिफेंट्स और द टॉल कोकोनट ट्री। सेम सेल डिवीजन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जहाँ पे हम अपनी बात करें, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या किसी जॉइंट साइज के एलिफेंट की बात करें या हम ट्रीज में टॉल कोकोनट ट्री की बात करें। तो हम सब कैसे हैं? हम सभी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन इसेंशियल क्यों है? क्योंकि हम मल्टीपल सेल्स से बने हुए हैं। वी आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर एक ह्यूमन बींग को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेज होता है, फॉर्मेशन होती है जायगॉट की। जायगॉट कैसे बनता है हमें पता है, जब एक मेल और फीमेल सेक्स कैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उससे जो फॉर्मेशन होती है फर्स्ट सेल की वो है जायगॉट। जायगॉट कैसा है? अभी ये एक सिंगल सेल है और ये सिंगल सेल आगे डिवाइड होके एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म करेगा। सो इसलिए सेल डिवीजन एसेंशियल होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ओके, द मोस्ट कंस्पिशियस इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर ऑल रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन में जितने भी कंस्पिशियस इवेंट्स होंगे वो सभी रिलेटेड होंगे क्रोमोसोम्स से। क्रोमोसोम्स से क्यों सारे के सारे इवेंट्स रिलेटेड हैं सेल डिवीजन में? क्योंकि क्रोमोसोम्स ही कैरी करता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सभी स्टोर होती है इन क्रोमोसोम्स। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द डॉटर सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। सेल डिवीजन में हमने पढ़ा, सेल डिवीजन में दो टाइप के डिविजन्स होते हैं, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। जब माइटोसिस होता है उस वक्त सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डबल हो जाते हैं। ये कौन सी सेल है? ये पेरेंटल सेल है। पेरेंटल सेल में क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो गए। सेल ने माइटोटिक डिवीजन करके दो डॉटर सेल्स बनाएगा। यही दो डॉटर सेल्स कंटेन करेंगी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितना पेरेंटल सेल में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम्स ने अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लिया था, 2n कर लिया था। अब ये 2n इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दस ऑल बॉडी सेल्स दैट आर द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स हैव द सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स
इन द सेम नंबर। जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी सेल्स होते हैं वो सभी किस तरीके से डिवीज़न होता है उनमें, उन सभी में माइटोटिक डिवीज़न होता है और सभी कैरी करते हैं सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेम नंबर। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स ऑफ आर बॉडी, इस लाइन को लिख लेते हैं, ऑल द सेल्स इन बॉडी एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। मेल्स में सेक्स सेल क्या है? स्पर्म, एंड इन फीमेल इट इज ओवम, आर डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, सो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी में डिवीजन किस टाइप का होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। सभी में सेम टाइप का क्रोमोसोम होगा और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। एक्सेप्शन कहाँ है? एक्सेप्शन है सेक्स सेल्स में, जहाँ पे स्पर्म एंड ओवम में माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है। ओके, दिस इंश्योर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड थ्रू दैट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से एक सेल नॉर्मल फंक्शन करता है, और अगर हमारा सेल नॉर्मल फंक्शन करेगा तो ऑर्गेनिज्म ईजली सर्वाइव कर पाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? व्हेन अ नॉर्मल अनस्टेन्ड लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, इट्स न्यूक्लियस मे नॉट अपीयर टू कंटेन एनी पार्टिकुलर थिंग इनसाइड। जब हमें लिविंग सेल के अंदर अपने न्यूक्लियस को देखना हो या अदर सेल ऑर्गेनलीज को देखना हो तो हम उन्हें नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो हमारी लिविंग सेल है वो अनस्टेन्ड है। अनस्टेन्ड का मतलब अनकलर्ड। ठीक है, लिविंग सेल इस टाइम जो है हमने उस पर किसी भी तरीके की स्टेनिंग नहीं करी, किसी भी तरीके का उस पर कलर हमने नहीं अप्लाई करा। इस वजह से हम अपने लिविंग सेल के अंदर हम न्यूक्लियस को या अदर सेल ऑर्गेनलीज को नहीं देख सकते अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, बट व्हेन द सेल इज स्टेन्ड विथ सुटेबल डाइज सेवरल स्ट्रक्चर्स बिकम नोटिसेबल इन द न्यूक्लियस। सो यहाँ पे हमने ये देखा, जब हम अपने सेम सेल को जो कि अभी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनलीज नहीं देख पा रहे थे, जब हमने उस सेल को सुटेबल डाई की हेल्प से स्टेन करा तो हमें जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो इजिली नोटिसेबल हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। सो हमारा जो न्यूक्लियस है ये हमारी सेल है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर सेल का ऑलमोस्ट सारा डीएनए प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इन अ डिस्क्रीट यूनिट, और इस डिस्क्रीट यूनिट को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। सो इस सेल के अंदर इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसी जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए कहते हैं। सो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? ये डीएनए ऑर्गेनाइज होता है एक डिस्क्रीट यूनिट में, और इस डिस्क्रीट यूनिट को हम क्या कहते हैं? इस डिस्क्रीट यूनिट को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट, ईच क्रोमोसोम कंटेन वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ मैनी प्रोटीन। एक क्रोमोसोम के अंदर, दिस इज वन क्रोमोसोम, इसके अंदर
वन लॉन्ग डीएनए एसोसिएटेड होगा विथ मैनी प्रोटीन्स, विथ मैनी प्रोटीन्स। दिस इज आर जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड दीज आर प्रोटीन्स। This complex of DNA and protein is called chromatin. The complex of DNA with protein is called chromatin. When a cell is not dividing, the chromatin under an electron microscope appears to be in the form of a very long and extremely thin darkly stained fiber. अभी हमने क्या पढ़ा, सेल, हमारा जो सेल है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं आर जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। नाउ हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है और ये डीएनए मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच्ड होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है प्रोटीन के साथ। ये किस टाइप की प्रोटीन है, इस प्रोटीन का क्या नाम है, ये सभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो डीएनए विथ प्रोटीन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटीन। सो क्रोमेटीन क्या है, जब डीएनए और प्रोटीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उस कॉम्प्लेक्स को हम एक नाम देते हैं जिसे हम क्रोमेटीन कहते हैं। और जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, क्रोमेटीन का फॉर्म दिखता है हमें जब सेल जो है डिवाइडिंग स्टेज में है, बट अगर सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, इस टाइम सेल में डिवीजन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे क्रोमेटीन को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से देखेंगे तो वो किस फॉर्म में अपीयर होता है, तो ये अपीयर होता है इन एक्सट्रीमली थिन डार्कली स्टेन्ड फाइबर के फॉर्म में। बहुत ही पतला सा फाइबर होता है जो कि बहुत ही डार्कली स्टेन्ड होता है, मीन्स डार्क कलर से ये स्टेन्ड होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउएवर एज अ सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड द क्रोमेटीन फाइबर्स कॉइल एंड कंडेंस फर्दर इवेंचुअली बिकमिंग थिक इनफ टू बी डिस्टिंग्विश्ड एज सेपरेट क्रोमोसोम्स। जब सेल को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करा जाता है उस मोमेंट पे जो क्रोमेटीन फाइबर्स हैं, क्रोमेटीन फाइबर्स अभी हमने पढ़ा था क्या है, क्रोमेटीन फाइबर्स क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स जो कि फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेजेस पे होता है। ठीक है, अब सेल किस स्टेज पे जा रहा है, अब सेल जा रहा है डिवाइडिंग स्टेज पे। इस टाइम पे जो क्रोमेटीन फाइबर्स हैं ये कॉइल होंगे और कंडेंस्ड हो जाएंगे एंड कंडेंस्ड होके ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहेंगे। व्हेन क्रोमेटीन फाइबर्स कॉइल एंड कंडेंस्ड इट फॉर्म अ थिक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दीज क्रोमोसोम्स देन रैपिडली पिक्ड अप सर्टेन डाई एंड गेट कलर्ड, हेंस नेम क्रोमोसोम्स। अब हमें अगर क्रोमोसोम्स को सेल के अंदर देखना है तो उसके लिए हम जो भी डाई अप्लाई करते हैं क्रोमोसोम्स ईजली उस डाई को पिक करता है और उसी कलर में अपने आप को कलर कर लेता है। इस हेल्प से हम ईजली क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, अगर हम वर्ड क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करें, सो जो फर्स्ट वर्ड है क्रोमा, इसका मतलब है कलर्ड एंड जोमा का मतलब होता है बॉडी, इट मीन्स क्रोमोसोम्स इज अ कलर्ड बॉडी। नाउ क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमेटीन फाइबर्स। क्रोमोसोम्स कैसे हैं, ये हाईली कॉइल्ड है, कंडेंस्ड क्रोमेटीन फाइबर्स हैं।
ठीक है। यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है, हमने पढ़ा है डीएनए कैसे होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे डीएनए आके बाइंड होता है एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन के साथ। इस तरीके से हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए इस प्रोटीन के साथ कॉइल हो जाता है। इसके बाद आगे फिर उसे सेम प्रोटीन मिली, सेम कॉइल, इस तरीके से ये चेन चलती रहती है। सो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, ये जो क्रोमेटिक डीएनए एंड प्रोटीन की जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। अब ये प्रोटीन का नाम क्या है? सो इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट, अब ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बना है, इस तरीके से पूरा डीएनए जो है हमारा वो इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल हो जाता है। कॉइल होके ये स्ट्रक्चर हमारा जो है आ जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है, ये एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और इस इतने बड़े स्ट्रक्चर को इस छोटे छोटे सेल्स में अरेंज करना पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कॉइलिंग अराउंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी कैसे हुई? सो क्रोमोसोम्स इन एनिमल्स वेयर फर्स्ट स्टडीड इन 1882 बाय अ जर्मन साइंटिस्ट वॉल्थर फ्लेमिंग। क्रोमोसोम्स एनिमल्स में सबसे पहली बार देखा गया 1882 में। किसने देखा? ये देखा एक जर्मन के साइंटिस्ट ने। उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? उन साइंटिस्ट का नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग्स। ही नोटिस्ड दीज इन द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द लार्वा ऑफ सेलेमेंडर। ठीक है, उन्होंने सेलेमेंडर क्या होते हैं? एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन कौन से एनिमल्स होते हैं? एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर एंड लैंड दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं। सो उन्होंने, फ्लेमिंग ने सेलेमेंडर के लार्वा के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा जो कि सेल डिवाइड के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल था। द माइक्रोस्कोप ही यूज्ड वॉज द ओल्ड टाइप एंड थ्रू इट ही सॉ माइन्यूट थ्रेड्स दैट अपियर टू बी डिवाइडिंग लेंथ वाइज। उस टाइम पे उनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो इतना एडवांस नहीं था, वो एक पुराना टाइप का माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो ये देख पाए कि एक बहुत ही माइन्यूट सा छोटा सा स्ट्रक्चर है, टाइनी सा स्ट्रक्चर है, और ये टाइनी स्ट्रक्चर थ्रेड्स की तरह है, धागों की तरह है, और ये जो धागे हैं ये डिवाइड हो रहे हैं लेंथ वाइज, अपनी लेंथ वाइज जो है ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, फ्लेमिंग कॉल्ड देयर डिवीजन माइटोसिस। सब्सिक्वेंटली विद द हेल्प ऑफ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स द क्रोमोसोम्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स हैव बीन स्टडीड इन ग्रेट डिटेल्स। अब ये जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर था जो फ्लेमिंग ने देखा वो लेंथ वाइज डिवाइड हो रहा था। ठीक है, और इस डिवीजन को फ्लेमिंग ने माइटोसिस कहा। नाउ अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स आए, और उन माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करके हमने क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी अदर स्ट्रक्चर्स थे उनको हमने डिटेल में देखा। नाउ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये एक हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो एरिया है, सॉरी, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है एंड ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो हमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं,
ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये क्रोमेटीन फाइबर्स हैं। नाउ जब सेल डिवाइड होती है तो ये जो क्रोमेटीन फाइबर्स थे, जो कि अभी हमें बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, अब ये धीरे धीरे कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो रहे हैं और कॉइलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्रोमेटीन फाइबर्स कह रहे थे, ये कन्वर्ट हो गए क्रोमोसोम्स में। ओके, आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे क्रोमेटीन को थोड़ा और डिटेलिंग में। द क्रोमेटीन मटेरियल्स दैट कंस्टिट्यूट द फाइबर इज फॉर्म्ड ऑफ टू सब्सटेंस। क्रोमेटीन मटेरियल जिसको हमने ये पढ़ा कि वो फाइबर्स का बना हुआ है, ठीक है, वो फाइबर्स हैं, उसमें दो सब्सटेंस का बना होता है, ठीक है। सबसे पहला है डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन 40%, और दूसरा जो कंपोनेंट है सब्सटेंस है वो है हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रेजेंट होता है 60%। सो क्रोमेटीन हमने पढ़ा, क्रोमेटीन फाइबर्स दो तरीके के सब्सटेंस को मिला के बनता है, एक है डीएनए और दूसरा है हिस्टोन्स प्रोटीन। इनके कॉम्प्लेक्स को हम क्रोमेटीन फाइबर्स कहते हैं। इस इमेज में इसको और क्लियर करा गया है, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब जाके इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड कॉइल होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में जॉइन होके एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स को हम क्रोमेटीन फाइबर्स कहते हैं। और यही क्रोमेटीन फाइबर्स जब कंडेंस होते हैं तो ये बनाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमारा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा, ये जाके कॉइल होता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, और इस तरीके से बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए के कॉम्प्लेक्स को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और जब ये सारे न्यूक्लियोसोम्स के स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्रोमेटीन फाइबर्स कहते हैं। और यही क्रोमेटीन फाइबर्स कॉइल एंड कंडेंस होके, ये कब कंडेंस होंगे, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमेटीन फाइबर्स कॉइल एंड कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा उस वक्त पे ये क्रोमोसोम्स जो है ये क्रोमेटीन फाइबर्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। डीएनए का अमाउंट कितना है क्रोमेटीन में, 40%, हिस्टोन प्रोटीन कितना है, 60%। कलेक्टिवली ये दोनों ने क्या बनाया, क्रोमेटीन फाइबर्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें डीएनए स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा तो हम आगे की चीज़ों को समझने में परेशानी होगी। द शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन इन 1953। सबसे पहली बार डीएनए का जो शेप था वो स्टडी करा था रोजालिंड फ्रैंकलिन ने 1953 में। However, the structure was finally worked out by Watson and Crick in the same year. But इस स्ट्रक्चर को डीपली और अच्छे से जो स्टडी करा वो करा वॉटसन एंड क्रिक ने, कौन से ईयर में, सेम ईयर में, जिस ईयर में रोजालिन फ्रैंकलिन ने स्टडी करा था 1953 में। दे proposed द डबल स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉर विच दे वर अवार्डेड द नोबल प्राइज इन 1962। वॉटसन एंड क्रिक ने हमें डीएनए का डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर दिया और इसके लिए इन्हें नोबल प्राइज मिला 1962 में। अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज एंड हेंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। It is composed of
टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स वाउंड अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स। डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या कहा जा रहा है कि एक डीएनए का जो सिंगल मॉलिक्यूल है, ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है डीएनए का, ये बहुत ही लार्ज होता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो का मतलब लार्ज मॉलिक्यूल। नाउ ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती हैं। टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स से क्या हम समझें? सो टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का मतलब होता है दो अपोजिट स्ट्रैंड्स, टू अपोजिट स्ट्रैंड्स। सो और ये दोनों अपोजिट स्ट्रैंड्स जो होती हैं आपस में कॉइल होके डबल हेलिक्स बनाते हैं। ईच सिंगल डीएनए स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड। हर एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड, फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल डीएनए की स्ट्रैंड है, ये सिंगल डीएनए स्ट्रैंड किससे बनी हुई होती है? दिस सिंगल डीएनए स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर मेड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, फॉस्फेट, शुगर अरेंज्ड लेंथ वाइज एंड अ नाइट्रोजनस बेस्ड अटैच्ड टू द शुगर इनवर्ड्स विच एक्सटेंड्स टू जॉइन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम अदर स्ट्रैंड्स। अब इस पैरा को अगर मैं आप लोगों को बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाऊं, तो इससे हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे हमने ये कहा कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स की बनती हैं, ठीक है। बट ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सो ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है तीन टाइप के कंपोनेंट से। एक है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है, पेंटोज मींस 5 कार्बन शुगर, एंड थर्ड इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। सो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स एक मोनोमर है। ये मोनोमर कितनी यूनिट से मिलके बना हुआ है? तीन यूनिट से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला है फॉस्फेट ग्रुप, उसके बाद है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मींस ये एक 5 कार्बन रिंग होगी एंड नाइट्रोजनस बेस। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को जब हम जॉइन करते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, और इसी तरीके की एक एक न्यूक्लियोटाइड मोनोमर यूनिट मिलके एक पॉलीपेप्टाइड बनाती है, और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को समझें, यहाँ ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये पेंटोज शुगर है, मींस इट इज अ 5 कार्बन रिंग। इस 5 कार्बन रिंग के C1 कार्बन के साथ हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अटैच होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं? सो ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये चार क्या हैं? ये चार हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होंगे पेंटोज शुगर से C1 कार्बन के साथ, और इनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी? इनके बीच में होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, कौन से कार्बन पे? C1 कार्बन ऑफ फॉस्फेट शुगर, एंड यहाँ पे C4 कार्बन
एंड यहाँ प्रेजेंट होता है C5 कार्बन। इस C5 कार्बन के साथ फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ओके। और इस फोस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी? तो यहाँ पे होगी फोस्फेट बॉन्डिंग। सेम शुगर ग्रुप का C3 कार्बन ज्वाइन होगा अनदर न्यूक्लियोटाइड के साथ, सेम पेंटोज शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस C1 कार्बन पे, C5 कार्बन पे फोस्फेट ग्रुप जो अटैच्ड हो जाएगा इस C3 कार्बन के साथ। सो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं फोस्फो डाईस्टर बॉन्ड, ओके। सो इस तरीके से ये एक लंबी चेन चली आती है DNA की। अब ये एक चेन जो है DNA की, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में हमें और क्लियरली ये शो करा है, ये हमारा पेंटोज शुगर के साथ ये नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे ऊपर वाले पेंटोज ग्रुप के C3 कार्बन के साथ हमारे नीचे वाले पेंटोज ग्रुप के C5 कार्बन के फोस्फेट की बॉन्डिंग है, और इसी बॉन्डिंग को हमने फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ये एक स्ट्रैंड है। सेम अलग जो दूसरी जो स्ट्रैंड होती है DNA की, वो इस DNA की स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री मींस इसकी अपोजिट होगी। अपोजिट कैसे होगी? ये जो हमारा फर्स्ट हमारा राइबोसोम जो है न्यूक्लियोटाइड है, इसका C3 जो पॉइंट है जो यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट था, ये यहाँ पे फ्री है। ये इसके ऊपर कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं है जिसके साथ ये बेचारा अपनी बॉन्डिंग कर पाता। सॉरी ये C5 है, ये C5 कार्बन का है। ये C5 कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इस टाइम फ्री है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं है जिसके साथ ये बाइंडिंग कर पाता। और अगर हम यहाँ देखें तो इस पेंटोज शुगर का C3 जो स्ट्रैंड है वो फ्री है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन नहीं है जिसका फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जो है बॉन्डिंग कर पाता। तो यहाँ पे इस टाइम कैसा है? फ्री है। तो इस एंड को हम 5' एंड कहेंगे और इस एंड को हम 3' एंड कहेंगे। इसी तरीके से जब हम दूसरी स्ट्रैंड बनाते हैं DNA की, तो उस केस में जो C3 कार्बन पोजीशन है वो फ्री है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऊपर कोई और फोस्फेट ग्रुप नहीं है जिसके साथ जो है बॉन्डिंग कर सके। और अगर हम लास्ट फोस्फेट ग्रुप देखें तो यहाँ पे ये जो फोस्फेट ग्रुप है C5 पोजीशन पे, ये फ्री है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं है जिसके साथ ये जो है अपनी बाइंडिंग कर सके। ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अपोजिट हैं। ये स्ट्रैंड स्टार्ट हो रही है 5' से 3 एंड तक, और ये स्टार्ट हो रही है 3' टू 5' तक। अब इन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जहाँ पे ए कार्बन हमेशा बॉन्डिंग करेगा एडीनोसिन हमेशा बॉन्डिंग करेगा सिर्फ और सिर्फ थायमीन ग्रुप के साथ, एंड साइटोसिन हमेशा बॉन्डिंग करेगा सिर्फ और सिर्फ ग्वानिन ग्रुप के साथ। इसमें हमें एक पॉइंट और याद करना है, वो ये है कि एडेनिन एंड थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड्स होते हैं, एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसको हम अपोजिट भी कर सकते हैं, टी डबल बॉन्ड विथ ए एंड जी फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विथ सी। इस तरीके से DNA का एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है। यहाँ देखें सेम बात लिखी हुई है, द टू स्ट्रैंड्स टुगेदर मेक अ लैडर लाइक अरेंजमेंट। अब ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में
एक लेडर की तरह स्ट्रक्चर बना रही, सीढ़ी की तरह, ठीक। विद द नाइट्रोजनस बेसिस फ्रॉम रनिंग रंग्स ऑफ द लेडर्स, जहाँ पे जो नाइट्रोजन बॉन्ड्स हैं ये इस सीढ़ी के क्या हैं, रंग्स हैं। बीच वाला हिस्सा जिस पे हम पैर रख के चढ़ते हैं ये वो हैं। फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर फाउंड इन डीएनए। डीएनए में चार तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। कौन कौन से हैं? एडिनिन, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी, एंड थायमिन विथ टी। एडिनिन पेयर्स विथ थायमिन विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडिनिन सिर्फ और सिर्फ थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। एंड साइटोसिन, सॉरी, ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन विथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा विथ ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन हमने कहाँ देखा था? हिस्टोन प्रोटीन हमने देखा था जब हम क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं दो कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। एक तो हमने पढ़ा था डीएनए, डीएनए में इनका कंपोजिशन होता है 40%, और दूसरा हमने पढ़ा था हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है 60%। नाउ अब इसी हिस्टोन प्रोटीन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सो हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है डीएनए मॉलिक्यूल को, कि डीएनए मॉलिक्यूल उसके अराउंड कॉइलिंग करे और अपनी पैकेजिंग कराए, किसमें, इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। यहाँ स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि हिस्टोन कैसा है। हिस्टोन 8 मॉलिक्यूल से बना हुआ प्रोटीन है। इस तरीके से 8 मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइन होके प्रोटीन बनाते हैं, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और इसी हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड इस तरीके से हमारा डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल होता है। यहाँ पे H1 हिस्टोन भी दिया हुआ है। अगर हिस्टोन प्रोटीन को हम और अच्छे से समझें, सो हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप का होता है? सो हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली 4 टाइप का है, H2, H3, H2A, H2B, H3 एंड H4। H2 की 2 यूनिट्स होती हैं, H2B की भी 2 यूनिट्स होंगी, H3 की सेम 2 यूनिट्स, एंड सिमिलर फॉर H4। नाउ यहाँ पे एक यूनिट, ये सारी जो यूनिट्स हैं ये सभी जॉइन होके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 यूनिट्स जॉइन होके बनाती हैं हिस्टोन कोर। नाउ एक यूनिट और होती है हिस्टोन प्रोटीन की, विच इज H1 यूनिट। ये H1 यूनिट एक्ट करती है एज अ हेल्पर फॉर डीएनए, जिससे हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जाके बाइंड होता है, इसको होल्ड करने का काम करती है H1 यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। नाउ द डीएनए स्ट्रैंड्स वाइंड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। सो क्या है, डीएनए स्ट्रैंड्स हमारी जाके वाइंड अप होती हैं, कॉइल होती हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ। इसे हम हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। हिस्टोन कोर्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये 8 सब यूनिट से मिलके बनी हुई प्रोटीन है। ईच सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम, और इस तरीके के हर एक कॉम्प्लेक्स को हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। एंड इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम कैन बी इमेजिन्ड लाइक अ फुटबॉल अराउंड विच अ लॉन्ग रोप ऑफ वाउंड विथ 1 or 2 लूप्स। अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम मे हैव अ मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। सो दिस हिस्टोन प्रोटीन विथ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम,
और इस तरीके से जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं कलेक्टिवली, इसको हमने क्या कहा, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं, ईच ह्यूमन सेल कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर ऑफ डीएनए। हर एक ह्यूमन सेल के पास 2 मीटर का डीएनए होता है। 2 मीटर डीएनए, इमेजिन, सेल को हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इतना छोटा होता है हमारे एक सेल, और उस एक इतने छोटे से माइन्यूट सेल के अंदर 2 मीटर का डीएनए स्ट्रक्चर है। तो इमेजिन इसकी जो अरेंजमेंट है, कॉइलिंग है, वो किस तरीके से करी गई होगी कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को हमने एक बहुत ही छोटे से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर डाला है। ठीक है, However, the nucleus of a human cell is about 6 micrometer in diameter. So, nucleus कितना बड़ा है human cell का? 6 micrometer in diameter. और इस nucleus के अंदर हमने कितने बड़े DNA molecule को रखा हुआ है? तो इस minute से nucleus के अंदर 2 meter का DNA है। Therefore, the DNA needs to be considered in order to fit inside the nucleus. तो इसके लिए इस DNA की हमें ऐसी packaging करनी होगी कि वो easily इतने छोटे से structure के अंदर आ जाए। The entire chromatin fiber is coiled and supercoiled, something like the coils and supercoils we see in a typical telephone cord to eventually form chromosomes. यहाँ पे हमें टेलीफोन के एग्जाम्पल से समझाया गया है कि किस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर्स कॉइलिंग करते हैं ताकि वो इस न्यूक्लियस के अंदर इजीली अरेंज हो जाए। जिस तरीके से टेलीफोन की कॉइल्स होते हैं इसके वायर के, पहले ज़माने में सबके घर में इसी टाइप का टेलीफोन हुआ करता था, मोबाइल फोन्स इतने थे नहीं, तो इस तरीके से जैसे इसकी वायर आपस में कॉइल होती थी, इसी तरीके से हमारा क्रोमेटिन फाइबर होता है जिसमें हमारी हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए हैं, ये आपस में कॉइल होते हैं ताकि ये ईजली कॉम्पैक्ट हो सके और डीएनए को अपने अंदर रख सके ताकि वो फिर क्रोमेटिन मटेरियल आगे चल के क्रोमोसोम्स बना सके। ठीक है, नाउ ये एक फिगर दिया हुआ है जहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा ईजीएस्ट तरीके से हमें समझाई गई हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमारे क्रोमेटिड्स हैं, कलेक्टिवली इन दोनों को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। बट अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इस एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रोमेटिड्स किसकी बनी हुई हैं? ये क्रोमेटिड्स बनी हुई हैं क्रोमेटिन फाइबर की। इस क्रोमेटिन फाइबर के अंदर क्या है, डीएनए है, और डीएनए किसके साथ कॉइल है, डीएनए कॉइल है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। डीएनए किसके साथ कॉइल है, डीएनए कॉइल है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये डीएनए है। ये डीएनए सराउंड्स अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स कॉइल, सुपर कॉइल, देन दे फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएंगे। ये रहा वो क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर। ठीक है, तो साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, साइकिल स्टार्ट हुई क्रोमेटिन फाइबर्स से। क्रोमेटिन फाइबर्स सुपर कॉइल हुए, कॉइल हुए, उन्होंने न्यूक्लियोसोम्स बनाया। न्यूक्लियोसोम्स जहाँ पे हिस्टोन एंड डीएनए एक साथ थे। इसके बाद ये डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इसके साथ अरेंज हुए, और ये सब कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सेल है। ओके, नाउ ईच क्रोमोसोम इन इट्स कंडेंस्ड फॉर्म आर विजिबल ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन की स्टार्टिंग होती है उस पॉइंट पे जितने भी क्रोमेटिड्स
क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो सभी आपस में जॉइन होके क्रोमोसोम बनाते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, टू क्रोमेटिड्स होते हैं जॉइंट एट सम पॉइंट अलोंग द लेंथ। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर एंड अपीयर्स एज अ स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड रीजन। ये एक यूनिट है एंड ये एक यूनिट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड्स। इसको भी हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड्स। और इन दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में मिला के हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये दोनों ही क्रोमेटिड्स आपस में जॉइन होती हैं एक सेम पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है, इस फिगर में भी सेम बताया गया है, इन दोनों यूनिट्स को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड्स। और ये क्रोमेटिड्स किसी एक पॉइंट पे जॉइन होती हैं आपस में, उस पॉइंट ऑफ जॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, ईच क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट अ पार्टिकुलर साइट। हर एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे दोनों ही क्रोमेटिड्स ज्वाइन हो रही हैं वो अलग अलग होता है। हर एक क्रोमोसोम का अपना पार्टिकुलर साइट होता है। द सेंट्रोमियर ऑल्सो सर्व्स टू अटैच द स्पाइंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये स्पाइंडल फाइबर्स क्या है ये अब हम समझेंगे। एज द स्पाइंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड एट द सेंट्रोमियर एंड ईच इज पुल्ड अवे फ्रॉम द अदर टूवर्ड्स द टू पोल्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल। सो जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे हमने ये पढ़ा कि सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल के पास इस तरीके से फोर क्रोमेटिड्स और टू क्रोमोसोम्स हैं। अब इस सेल को डिवीजन करना है ताकि वो इक्वली क्रोमोसोम्स अपने डॉटर सेल में ट्रांसफर कर सकें। इस पॉइंट पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक लाइन में आके अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे दोनों अपोजिट पोल पे, सेल के दोनों अपोजिट पोल्स पे एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये सेंट्रियोल फाइबर्स क्रिएट करता है, इस तरीके से ये फाइबर्स फॉर्म करता है। ये फाइबर्स को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, इन फाइबर्स को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच होंगे सेंट्रोमियर से, और ये इन एक एक क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब ये इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे जो क्रोमेटिड्स हैं वो इस तरीके से उनकी तरफ मूव होने लगेंगी। और ये सेम चीज़ दोनों ही पोल्स पे फॉर्म होती हैं, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर अपीयर होता है। यहाँ पे डायग्राम्स में हमें और क्लियरली इन चीज़ों को दिखाया गया है। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो सेपरेट हो जाती हैं डिफरेंट पोल्स पे, कुछ इस तरफ चली जाती हैं और कुछ इस तरफ चली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन कम्प्लीट हो जाता है सो क्रोमेटिड्स जिसे हम क्रोमोसोम्स कह रहे थे वो डीकंडेंस हो जाएंगे एंड रिवर्ट टू देयर वेरी लॉन्ग एंड फिन थ्रेड फाइन थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स। देयर वुड बी एज
many chromatin fibers inside the nucleus as the number of chromosomes that appear during cell division. यहाँ पे हमने क्या देखा, ये क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। अब इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने ये पढ़ा कि सेल डिविजन्स जो थे, सेल डिविजन जब ख़त्म होता है उस टाइम पे जो क्रोमेटिड्स थे जिसे हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, वो दोबारा से कौन से स्टेज पे चले जाएंगे, वो दोबारा से डीकंडेंस स्टेज में चले जाएंगे और वो फिर से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हमने क्रोमेटिन फाइबर्स कहा है। दिस इज क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। देयर वुड बी मैनी क्रोमेटिन फाइबर्स इनसाइड द न्यूक्लियस एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है जहाँ पे ये हमारे क्रोमेटिड्स हैं और इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। जब इन क्रोमेटिड्स में रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन के दौरान ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे आर सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, इसीलिए हम इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम दैट इनकोड पार्टिकुलर प्रोटीन व्हिच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम पार्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी। जीन्स क्या होते हैं, हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में जॉइन होके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं जिस स्ट्रक्चर को हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस होता है इन न्यूक्लियोटाइड्स का, इन सीक्वेंस को ही हम जीन कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम दैट इनकोड फॉर अ पार्टिकुलर प्रोटीन व्हिच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम पार्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड जीन्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है, हमने पढ़ा है इंसुलिन कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज, ओके। सो जो पैंक्रियाज की सेल होंगी उन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के अंदर हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है विच इज डीएनए। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस की वजह से पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करती हैं बॉडी में। इट मींस इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिलीज ऑफ अ हार्मोन और प्रोटीन इंसुलिन, तो इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं, ठीक है। अगर और सिंपल इसको समझें तो डीएनए का वो पार्टिकुलर सीक्वेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी टाइप के प्रोटीन के सिक्रीशन के लिए, जो प्रोटीन का कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन हो हमारी बॉडी में, उस सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं। दे आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये जीन्स क्या होते हैं, ये यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी होती है, ये जीन्स जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम आर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इन जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि ये हमारे पेरेंट्स से लेके आते हैं और ये उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू नेक्स्ट
जेनरेशन, जिसका कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक शो होता है ऑफस्प्रिंग पे. ओके, आई होप आज इस क्लास में जितने भी टॉपिक्स हमने कवर करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे. बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.